हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईटी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 100 प्लस प्रोडक्ट लिस्टिंग पार्ट 2 के बारे में। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं 100 प्लस की लिस्टिंग के आगे के पार्ट को बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो कुछ भी बताया वो आप पहले देख लीजिए, तभी आपको आगे का समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस चैनल पर ऐसे ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोज़ को लाते रहते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा और वीडियोस का, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग कैसे करते हैं, अमेजोन पर लिस्टिंग, ब्रांड अप्रूवल, इन सभी तरह की वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था उसका मैं कुछ आपको बता देता हूँ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था, और यहाँ पे हमने ये फर्स्ट पार्ट भर लिया था, उसके बाद हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया था। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जो है ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। उसके बाद हमें कुछ और डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे क्लिक करने के बाद, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें इसकी लाइफस्टाइल, ये कुछ ऑप्शन है जिनको फिल करना है। तो लाइफस्टाइल के अंदर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ एवरी डे यूज, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडल नेम पूछ रहा है, तो मॉडल नेम यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पे मॉडल नेम डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मॉडल नेम डाल दिया है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे और भी सारी चीज़ों को फिल करना है, जो कि मैंडेटरी जो है उनको तो फिल करना ही है, और जो मैंडेटरी नहीं है उनको अगर आप फिल करोगे तो आपका लिस्टिंग स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्लीज़ आप उनको भी फिल करें। और ये जो ब्रांड है, ब्रांड नेम आपको पहले ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका भी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कैसे ऐड करवाना है उस वीडियो का लिंक, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो ब्रांड नेम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अपना। उसके बाद यहाँ पे मॉडल आईडी है, और उसके बाद पार्ट नंबर है, ये भी अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो, और अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप छोड़ना चाहो तो इनको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सूटेबल फॉर, मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कर देता हूँ। फिर यूटिलिटी में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेली यूज़, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ हेडफोन, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को आपको फिल करना है। तो मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को फिल कर देता हूँ, ठीक है। जो ये रेड कलर का डॉट है इनको जरूर फिल करना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो आप इनको, अगर आप इनको छोड़ते हो तो आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो मेक श्योर आप इन चीज़ों को ज़रूर फिल करें, कि ये जो जितनी चीज़ें जिनके आगे रेड कलर का डॉट दिख रहा है, आप इनको ज़रूर फिल करें। ओके, तो ये सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से इन सारी डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स फिल कर दिए हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है माइक, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ यस। और इसके बाद वाटर, यहाँ पे वाटर पे मैंने नो कर दिया, और यहाँ पैक ऑफ पे वन कर दिया, और वारंटी को मैं नो कर देता हूँ, और वारंटी ड्यूरेशन इसको भी नो कर देता हूँ। अगर आपके प्रोडक्ट की वारंटी है तो आप कर्ज दे सकते हैं, मैंने फ़िलहाल के लिए नो कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों जगह मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद नो, इन दोनों को नो करने के बाद आपको सिंपली या तो आप इसे सेव पे क्लिक कर सकते हैं, सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दूंगा, और ये जो 100 प्लस की टीम के पास चला जाएगा ये रिव्यू के लिए। एक बार जब 100 प्लस की टीम इसका रिव्यू कर लेगी और उसको सही अगर मिलेगा ये, तो आपकी लिस्टिंग को लाइव कर देंगे। तो थोड़ी देर बाद आपकी लिस्टिंग कुछ इस तरीके से लाइव दिखने लगेगी। तो इस तरीके से होती है।